हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो है अभिक्रिया के बारे में। हम सब जानते हैं कि अभिक्रिया मुख्य रूप से चार प्रकार की होती है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को हम योगात्मक तथा संकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, प्रत्यस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया को कहते हैं। आइए हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में संक्षेप में जानते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर सिर्फ एक नया पदार्थ बनाते हैं, जैसे C+O2=CO2। यहाँ पर दो पदार्थ हैं और वो सिर्फ एक ही पदार्थ बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम यह अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं, यानी ये इधर थोड़ा सा ताप अपघटन वियोजन अभिक्रिया। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। उष्मा, यहाँ पर उष्मा दिया जाता है, तो ये बन जाता है CaO+CO2। इसे ताप अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया का और एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन, पोटेशियम 2KCCCLO3। उष्मा, इसको जब उष्मा दिया जाता है तब ये बन जाता है 2KCl+3O2। नंबर तीन पे आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई एक तत्व उसके दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया या प्रत्यस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जांपल लिखना बहुत सहज है, जैसे FE+CuSO4। जब ये विस्थापित होता है तो जो ये Fe होता है इसके स्थान पे आ जाता है, तो ये हो जाएगा CuSO4 Cu+ ये इसके स्थान पे आ जाएगा FeSO4। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। FE+CuSO4=ये
यहाँ पर चलाएगा तो पहले हम लिख सकते हैं एफ ई एस ओ फोर प्लस एफ प्लस सी यू। चौथे नंबर पे हमारा आता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दो अलग अलग परमाणुओं व परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। इसमें दो अलग अलग परमाणुओं व परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। जैसे ये बी ए जो है वी ए सी एल टू प्लस एन ए टू एस ओ फोर। ये बी ए यहाँ पर आ जाएगा, जैसे बी ए एस ओ फोर, ये बी ए इसके नाइट्रोजन के जगह पे आ जाएगा प्लस, और जो ये एन ए है ये इसके जगह पे चले आएगा, तो यहाँ पर बनेगा एन ए सी एल। अब ये बैलेंस जब करेंगे हम तो यहाँ पर लिख देंगे दो, यहाँ पर लिख देंगे दो, तो यहाँ पर लिख जाएगा दो एन ए सी एल। अन एग्जाम्पल, तो सबसे पहला अन एग्जाम्पल हम लिखने जा रहे हैं योगात्मक अथवा संकलन अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन एच, इसको हम एच टू लिखते हैं, एच को प्लस ओ टू, जब ये आपस में रिएक्शन करता है तो यहाँ पर हमें दो एच टू ओ प्राप्त होता है। पहली अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया एन ए और ऑक्सीजन के संयोजन से सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम और ऑक्सीजन के संयोजन से सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, तो सोडियम को हम एन ए लिख सकते हैं प्लस ओ दो। जब ये रिएक्शन करता है आपस में तो यहाँ पर एन ए टू ओ प्राप्त होता है। जब हम समीकरण बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर एन ए एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन दो, यहाँ पर ये, तो हम यहाँ पर चार लिखेंगे और यहाँ पर दो लिखेंगे, समीकरण बैलेंस हो गया। नंबर तीसरा, सल्फर और ऑक्सीजन संयोग करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। सल्फर को यस से प्लस सल्फर और ऑक्सीजन वो सल्फर डाइऑक्साइड यसो दो। ये सब हमारे संकलन अभिक्रिया की परिभाषा है, परिभाषा का एग्जाम्पल है, बड़े आसान से आप लिख सकते हैं। अब हम वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिखाने जा रहे हैं। वियोजन अभिक्रिया में सबसे पहले हम ताप अभिक्रिया, वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह अपघटित हो जाती है, ताप अभिक्रिया कहलाती है। ताप अभिक्रिया ताप अभिक्रिया अपघटन भी कहते हैं इसे, अपघटन। अपघटन ताप अपघटन
वह अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ को गम करने पर वह अपघटित हो जाती हैं। वह अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर अपघटित हो जाती हैं, उन्हें ताप अभिक्रिया कहते हैं। ताप अभिक्रिया में निम्न अभिक्रिया आती हैं। नंबर एक, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम का सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का। जब इसको हम ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा, तो ये बन जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बन जाता है। ये सब ताप अपघटन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन। पोटेशियम यानी KClO3 उष्मा जब इसे हम देते हैं तो ये बदल जाती है 2KCl+3O2। इसका परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है। अगर यह समीकरण बैलेंस नहीं है तो हम इसे बैलेंस करेंगे, आगे 2 लगा दो बैलेंस हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया, इसका और एग्जांपल जैसे Ag। हाँ, विस्थापन अभिक्रिया में ये एक बात बताना था, जैसे Ag+CuSO4 ये अभिक्रिया, अगर कोई इसका अभिक्रिया पूछे तो ये अभिक्रिया नहीं करेगी, कोई अभिक्रिया नहीं, क्योंकि जो ये Ag है ये Cu से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए कोई अभिक्रिया नहीं करेगी। मैं इसका नोट बना देता हूँ, Ag पहला एग्जांपल वो, और दूसरा अगर कोई पूछे AU+CuSO4 तो ये भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा। जिंक Zn+H2SO4 इसका अभिक्रिया होगा, ये जो Zn है ये यहाँ पर आ जाएगा 2 की जगह पे, तो Zn+HN इसको प्लस में H2 लिख देंगे जो गैसीय अवस्था में, तो हम ब्रैकेट में G लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो।